देश के कोने कोने से आए हुए और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जीत कर आए खिलाड़ी, योगा के सारे छात्र, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये योगा ओलंपियाड में जो एनसीईआरटी पिछले सालों से कर रही है, इसमें 20,000 से भी ज्यादा छात्रों ने भाग लिया और तहसील स्तर पे उसमें से सिलेक्शन हुए 4-4, फिर जिला स्तर पर हुए, फिर उसमें से सिलेक्ट हुए, फिर राज्य स्तर पर सिलेक्ट हुए और सभी राज्यों से ऐसे चुने हुए छात्र यहां आए हैं जिन्होंने एक सही योगा की क्रिया की है और एक अच्छी कला, विज्ञान, एक जीवन शैली को अपनाया है। इसके लिए भी जोरदार बधाई आप सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी देश की एक ताकत योगा है और इसको दुनिया के मंच पर रखा और दुनिया के मंच ने, यूनाइटेड नेशंस ने 3 साल पहले तुरंत इसको स्वीकार किया। 100 दिनों में 170 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, अनुमोदन किया और योगा एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 तारीख को 21 जून को तैयार करने का और पालन करने का निर्णय दुनिया ने ले लिया। ये भारत का लोहा है, भारत का दुनिया को, भारत की दुनिया के लिए दी हुई देन है। योगा एक पूर्ण विज्ञान है, स्वस्थ जीवन का वो एक अनोखा पाठ्यक्रम है और अगर जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि योगा केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, योग करना तो निश्चित रूप से श्वसन का भी, प्राणायाम का भी, शारीरिक क्रियाओं का भी उसमें सम्मिलन है, लेकिन कुल मिलकर आहार विहार, वो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन कैसे हो, इस तरफ ये ले जाने वाली क्रिया है और इसलिए ये बेहद अच्छा उपक्रम है। और अभी आपके ये 3 दिन के सारे प्रयासों के बाद यहां जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो ओलंपियाड होगा, उसको कल विजेता घोषित होंगे। मैं भी योगा दिवस के लिए 21 तारीख को मणिपुर में जा रहा हूं। मणिपुर में मुख्यमंत्री समेत हमारे सरकार के सभी मंत्री, अधिकारी, वहां के छात्र और वहां के लोग, और मणिपुर वैसे भी खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्रतिभावान सभी छात्र हैं, खेल की एक विशेष प्रतिभा उनके पास है, तो वहां सबके साथ योग करने में बहुत आनंद आएगा। और इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं कि ये भारत की ताकत है, हमें पहचाननी चाहिए, इसका पालन भी करें, उसका प्रसार भी करें। आप तो अभी ये छात्राओं ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इन्होंने भी जो प्रदर्शन किया उनके लिए जोरदार ताली। कहे तो आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन संभव है,
अगर मेहनत करोगे, लगातार प्रयास करोगे तो सब संभव है, ये वो छात्राएं बता रही। और इसलिए आज यहां सब आए हैं, तो आप सबका भी स्वागत करता हूं। और आपके टीचर्स भी हैं, हर राज्य से भी अधिकारी और टीचर आए हैं, जो ख्याल भी करते हैं कि किसी को कोई गलत तरीके से ना करे, उसके यम नियम है तो उसका पालन करते हुए करने से ही इसका प्रसार होगा। और इसलिए एनसीईआरटी के सेनापति आज योगा के भी सेनापति बन गए। तो एनसीईआरटी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसको भव्य भी रूप देना है, उसको अच्छा नया रूप देकर दुनिया के सामने बहुत ताकत से प्रदर्शित करना है। और इसके लिए आज यहां आए सबको फिर से एक बार बधाई देकर और आपको शुभकामना देकर, जो कल जीतेंगे उसके लिए भी शुभकामना अभी से, लेकिन जो नहीं जीतेंगे वो भी जीत ही गए हैं क्योंकि वो यहां पहुंचे हैं, ये भी एक बड़ी सफलता है, ये बड़ी जीत है। यू आर रिकग्नाइज्ड, यू हैव अचीव्ड दिस विथ योर एफर्ट्स, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। तो ऐसे ही जिंदगी में चलो तो जिंदगी के बाकी मुकामों पर भी सफलता हासिल होगी। और इसलिए सबको बधाई देकर मैं अब फिर एक योगा का एक्सरसाइज है शायद, तो वो भी देखेंगे। मैंने कल पुणे में मोदी जी ने कहा था मन की बात में कि अपने घर की तीन पीढ़ियां जिस घर में है तो तीन पीढ़ियां योगा करें साथ में। तो कल मैं, मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरी पोती सबके साथ मैंने योग का, वहां एक घंटा हमने सबके साथ काम भी किया। और ऐसा आप भी करें जिनके घर में तीन पीढ़ी है, और वो सिंपल आसन है जो नागेंद्र जी ने, जब ये आया कि विश्व में प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि हर एक अपने तरीके से योग करता है, अनेक क्रिया, अनेक उपक्रिया, अनेक योग एक्सरसाइजेस सैकड़ों है, सारे दुनिया को कर सकेंगे और पसंद आएगा और अच्छा लगेगा, ऐसा एक करना चाहिए था। तो एक 35 मिनट का प्रोटोकॉल कैसे तैयार करें ये मुद्दा था, और उसमें डॉक्टर नागेंद्र जी, जिन्होंने पहली इस देश की योगा यूनिवर्सिटी चलाई है बेंगलुरु में, उनके कॉन्वोकेशन के लिए भी मैं जाकर आया, तो वो 35 मिनट का प्रोटोकॉल तैयार हुआ, सबको संभव है। और मैं कहूंगा आज 19 तारीख है, अभी भी 2 दिन है, देख लीजिए, वो वीडियो भी उपलब्ध है, वेबसाइट पर भी है, ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पर भी है, और कर ले थोड़ी एक प्रैक्टिस। और परसों सबके साथ गार्डन में, स्कूल में, कॉलेजों में, मंदिरों में, जगह जगह जहां भी कहीं लोग इकट्ठा आकर करेंगे, बस्तियों में, कॉलोनीज में, ऑफिस में, सब जगह एक 35 मिनट 21 तारीख को अगर हम काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा और विश्व में एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि इस बार 180-190 देशों में ये योगा डे मनाया जाएगा और जगह जगह ये योगा का होने वाला है। तो दुनिया ने अपना लिया, हम भी अपना ले और काम करें, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाई।